दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपके लिए जीरो ऑर्डर बनाया, फर्स्ट ऑर्डर बनाया और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों? क्योंकि आपने जब ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था तो इसके आपने जो डेरिवेशंस हैं वो नहीं देखे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले सबको पता है कि ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई। ऑर्डर का मतलब जितने लोग बेग को निर्धारित कर रहे हैं। हमने कई बार कहा 10 लोग अगर छप्पर चढ़वाने आए तो 10वां धक्का नहीं लगाएंगे। जो 2-3 धक्का लगा रहे हैं, जो बेग को निर्धारित कर रहे हैं मेरे भाई, वही लोग जो हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया में जितने लोग बेग को, वेलोसिटी को डिपेंड कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे भाई वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की वेलोसिटी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, कम से कम 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, उसे हम लोग कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर एक आदम ने एग्जांपल लिख दिया बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई, जैसे CH3COCO2H5 एथिल एसीटेट है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बन गया मेरे भाई, ऐसे ही ओजोन से मेरे भाई ऑक्सीजन बन गई। तो ये लोग कौन है? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसमें 2 अणु बेग को निर्धारित करेंगे, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसका जो डेरिवेशन है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से समझो। अब यहां पर 2 लोग बेग को निर्धारित तो कर रहे हैं, लेकिन वो 2 लोग एक जैसे हो सकते हैं या 2 लोग अलग अलग हो सकते हैं। तो अब 2 कंडीशनें बनेंगी मेरे भाई कि अगर दोनों लोग एक जैसे हैं तो हमने लिखा कि अगर व्हेन रिएक्टेंट्स आर लाइक, यानी अगर दोनों एक जैसे, लाइक मतलब एक जैसे हैं, एक समान है मेरे भाई, तब क्या होगा? तो हमने लिखा 2A, 2A का मतलब दोनों ए ही हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमने लिखा इनिशियल कंसेंट्रेशन, मान लिया मेरे पास शुरुआत में जो ए है उसकी मात्रा स्मॉल ए है और इस समय टाइम 0, कोई खर्चा नहीं हुआ है, तो मेरे खर्चा 0 लिख दिया हमने। थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम निकल गया, टाइम कितना, टी टाइम निकल गया, मान लिया एक्स मात्रा खर्च हो गई, पहले से ए मात्रा थी, एक्स खर्च हो गई तो कितनी बची मेरे भाई, ए माइनस एक्स मात्रा बच गई, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया कुछ था उसकी ए मात्रा मेरे पास थी, इस समय खर्चा 0 था, टाइम थोड़ा थोड़ा निकलता रहा, मान लिया टी टाइम के बाद खर्चा एक्स हो गया, तो मात्रा कितनी बच गई, ए माइनस एक्स बच गई। अब हम आपको पीछे के क्लासों में बता चुके कि रेट ऑफ रिएक्शन मात्रा पर डिपेंड करेगी, कि मात्रा जितनी है उसी हिसाब से तो क्रिया होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, dx/dt होती है, dx/dt यानी दर किस पे निर्भर करेगी, ए माइनस एक्स के स्क्वायर पे, क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बताओ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 2 अणु निर्धारित करेंगे भाई, तो चाहो तो 2 बार लिख लो, a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और या तो भैया जाहिर सी बात गुणा में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, x x वाले एक तरफ उठा लाए भैया, dx/a - x स्क्वायर हो गया, बराबर में kdt हो गया, सीधी सी बात है। अब हम लोग क्या, समानुपाती हटा के k लगा दिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट ले आते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। हमने जो लोग बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, उन्हें हमने स्टार्टिंग की कई वीडियोस में बताया कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक भैया सांप का निशान लगा देते हैं, ठीक, संग में dx या dt जो चल रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो जब इंटीग्रेशन करा तो देखो क्या आएगा भैया, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है, 1/x, माइनस चल रहा है तो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस, माइनस का होता है वो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, इसका 1/a - x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1/a - x, ध्यान से सुनो, वैसे तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, लेकिन मेरे भाई a - x और चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1/a - x, यानी इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। k नियत है, dt का जो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ t आ जाएगा, प्लस एक समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, वो हम लोगों ने i ले लिया। जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल आता है तब क्या करते हैं, उसका मान रखते हैं, तो हमने मान लिया कि जब t की वैल्यू 0 है तब x भी 0 होगा, उस समय x तो 0 था ही, खाली a था, खर्चा थोड़ी कुछ हुआ था, x तो जो खर्चा हुआ वो है मेरे भाई, तो जब x की वैल्यू 0 तो हम लोग इसमें मान रखेंगे, तो जब t का मान 0 तो ये 0 हो गया, x 0 तो ये 0 हो गया, तो i का मान 1/a आ जाएगा, तो i का मान 1/a आ गया, इसे हम लोग इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, i की जगह पे मान रखा भाई, 1/a - x आया, बराबर kt आया, प्लस 1/a आया, k का मान हमें चाहिए है, तो 1/a को इधर ले आया, LCM लिया, LCM लेने का तरीका नीचे वालों की आपस में गुणा करते हैं, इसकी इससे करी, इसकी इससे करी, जब गुणा होगी मेरे भाई तो क्या होगा बताओ, यहां पे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 1/t x/a - x, ठीक,
ए माइनस एक्स। ये कब की कंडीशन आई है? ये कंडीशन तब है जब दोनों सेम थे, 2a चल रहा था। अगर दोनों अलग अलग हो तब क्या होगा भाई? तो ये लो, व्हेन रिएक्टेंट्स आर अनलाइक, तो जब अलग अलग होंगे तो a प्लस बी बराबर प्रोडक्ट। अब की a की मान लिया मात्रा a है, b की b है, प्रोडक्ट जीरो है, खर्चा x हो गई, तो इनकी a माइनस एक्स बचेगी, इनकी b माइनस एक्स बचेगी। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा, हमने क्या कहा, ऊपर सेम थे तो स्क्वायर कर दिया, यहां पर अलग अलग है तो दोनों पर डिपेंड करेगा, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। समानुपाती हटा के k लगाया, x वाले एक तरफ ले आए, dt को उधर भेज दिया। अब क्या है इस तरीके का, जिनके पास बायोलॉजी है उन्हें शायद नहीं पता होगा, मैथ वाले जानते होंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ता है इस तरीके के समाकलन को करने के लिए। आंशिक भिन्नों में तोड़ा तो 1 / a - b आया, 1 / b - x - 1 / a - x आया। आप इसे हल कर लेना, देखना कट पिट के यही आ जाएगा। तो ये आंशिक भिन्नों में तोड़ा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई समाकलन नहीं होता फार्मूला। तो यहां पे आ गया 1 / b - x, इनका फार्मूला होता है, तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। कांस्टेंट a - b बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 / x का log x, लेकिन x के संग में माइनस चल रहा है तो माइनस लगा दिया, माइनस का log b - x ऐसे यहां आएगा, लेकिन जो इसका माइनस है वो इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में kt + i आ जाएगा। फिर i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का मान हम लोग फिर से निकालेंगे कांस्टेंट का, उसके लिए हम क्या करेंगे, t का मान 0 और x का मान 0 फिर से रख देंगे। जब t का मान 0 तो ये 0, x का मान 0 तो ये 0, तो बचेगा क्या, 1 / a - b log a / b, ये i का मान आ गया, i का मान इसमें रख देंगे। देखो भैया कैसे रखेंगे, ये पूरा ऐसे ही चल रहा है, kt चल रहा है, i का मान हम लोगों ने रख दिया। रीअरेंज करने के लिए log वालों को एक साइड ले आया, देखो भैया log वाले एक साइड आ गए, log m माइनस log n होता log m upon n, log m प्लस log n होता log m into n, तो दोनों चल रहे थे तो गुणे में आ गया मेरा भाई, ठीक है, बराबर में kt आ गया, t को नीचे भेज दिया, तो k का मान आ गया 1 / t a - b log b a - x / ab - x मेरे भाई, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर अनलाइक, जब वो अलग अलग होंगे तो इस तरीके से रिएक्शन होगी मेरे भाई। यूनिट ऑफ के यानी जो के का मान है इसके लिए मात्रक होगा वो लीटर प्रति मोल सेकंड होगा। अब यहां तक आप इस चैप्टर में आ गए हो, देखो भाई इसमें इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पेपर में कभी नहीं आता ना ये, तो ये डेरिवेशन पूछे जाएंगे फिर करा क्यों रहे मेरे भाई, आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों की, इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है कॉमेंट करके हमें बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या आपके पास कॉल सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, सारी चीजें हैं। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो BDKT, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत आराम से आप पेपर में इसे कर पाओगे, ठीक है। और किसी को भी कोई भी दिक्कत, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो ये PDF आपको तुरंत यहीं पर मिल जाएगी, PDF नोट्स के अंदर कोई समस्या नहीं है। और अगर बाय चांस ये वीडियो आपको YouTube पे मिल रही है तो मेरे भाई YouTube पे मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहीं पे प्लेलिस्ट वगैरह कुछ ना कुछ बनी होगी उसे आप देख सकते हो, और वरना आप BDKT एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, मात्र 400-501 रुपए लगभग कोर्स रहता है, कभी कभी ऑफर आपको मिल जाता है, आप आराम से जाके वहां पे परचेज कर सकते हो, और सारी चीजें वहीं पे PDF, वहीं पे सारे रिकॉर्डेड क्लास, पेपर एनालिसिस, सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं, बस आपको एक बार आराम से डाउनलोड करना और ऐप में ही बैठ के देख सकते हो, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई एडबाजी नहीं, कुछ नहीं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपसे वादा कर रखा है सारे का सारा कॉन्टेंट आपको यूट्यूब पर मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तो बस दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बताओ, जब किसी रिएक्शन में उस जब किसी रिएक्शन की वेलोसिटी दो लोग निर्धारित करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। वो दो लोग कैसे हो सकते हैं, या तो एक जैसे हो, तो हम लोगों ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन मान ली समानुपाती a माइनस x स्क्वायर के, क्योंकि पहले a था, x खर्चा हो गया। और जब वो अलग-अलग होंगे तब क्या करेंगे, तो जब भैया वो अलग-अलग होंगे तो a माइनस x और b माइनस x दोनों हम लोगों ने मान लिया, जब दोनों हम लोगों ने मान लिया फिर कोई समस्या रह ही नहीं गई। क्यों नहीं रह गई समस्या, क्योंकि फिर एक बेसिक सा काम करना था, केवल इंटीग्रेशन करना था, हल करते चले जाना था और कुछ ना कुछ मान अपने पास आ जाता सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।